जगा देती हैं, जग जाऊं तो रुला देती हैं, बहुत दर्द देती हैं तेरी यादें। ये लाइन फ्रेंडशिप डे से एक दिन पहले खुदकुशी करने वाले युवक ने लिखी थी। कटनी में रहने वाले गगन सोनी ने शुक्रवार शनिवार की रात खुद को गोली मार कर जान दे दी। सिविल लाइन में रहने वाले गगन सोनी के मित्र योगेश तिवारी और सृजल शुक्ला की 7 फरवरी 2022 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। झिंझरी के पास उनकी तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई थी। गगन का योगेश से काफी लगाव था। हादसे में योगेश की मौत के बाद से वह काफी उदास रहने लगा था। उसने फेसबुक में यह स्टेटस में योगेश की फोटो पर दर्द भरी लाइनें लिखकर पोस्ट की थी। कुछ परिचितों से उसने कहा था कि दोस्त योगेश उसे बुला रहा है। इन्हीं सब बातों के बीच गगन सोनी ने अपने दोस्त की मौत के करीब 6 महीने बाद 5-6 अगस्त की दरमियानी रात घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके शव के पास से कट्टा मिला है। सड़क हादसे में अपने बेटे योगेश तिवारी को गवाने वाले गायत्री नगर निवासी संजय तिवारी भी गगन सोनी के इस कदम से स्तब्ध हैं। उन्होंने बताया कि गगन सोनी बचपन से उनके बेटे योगेश तिवारी के साथ रहा है। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने बताया कि योगी की मौत से गगन सोनी डिप्रेशन में था। आए दिन बोलता था कि उसकी याद आती है, सपने में आता है। पहले भी गगन ने सुसाइड का प्रयास किया था। संजय तिवारी ने बताया सिविल लाइन में उनकी ससुराल है और वहीं पर गगन सोनी का भी घर है। बचपन में योगेश नानी के घर जाता था। बचपन में ही योगेश और गगन के बीच दोस्ती थी। दोनों अधिकांश समय साथ में ही रहते थे। गगन सोनी का बड़ा भाई और उसके पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं। उसके परिजन उसे काफी समझाते भी थे लेकिन वह नहीं माना और उसने आत्महत्या कर ली। कोतवाली टीआई अजय सिंह ने भी बताया कि युवक ने अपने आप को गोली मारने से पहले दोस्तों को फोन लगाया था और कहा था कि कल मिट्टी में आ जाना। यह सुनकर उसके दोस्त घर के बाहर पहुंचे थे। युवक की खोजबीन करने के दौरान वह अपने घर की तीसरी मंजिल में मृत अवस्था में मिला। उसके सिर से खून निकल रहा था और पास में ही एक देसी कट्टा रखा था। पुलिस का कहना है कि युवक डिप्रेशन में था। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। सोनी और हमारा बेटा योगेश तिवारी दोनों बचपन से ही साथ में थे। जब से वो संभाला बचपन में 1 साल की उम्र से साथ में रहते थे और जब से योगेश का एक्सीडेंट हुआ तब से ही गगन थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगा था और आए दिन बोलता था कि उसकी याद आती है, उसका वो सपने में आता है ऐसा।